हेलो दोस्तों, राम जीवन सिद्दीकी। और आप सब कैसे हैं? आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि जो लोग घर के काम में आते हैं या फिर लेबर के काम में आते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है और कैसे काम होता है, ये आपको हम बैक कैमरे से आपको देखते हैं। ये अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है और अभी इस पर छत डालने वाले हैं और शटरिंग पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से होता है, ये इस तरह से काम होता है। उसके बाद अभी हम आपको सामने दिखाने वाले हैं जब बिल्ला कंप्लीट होता है तो किस तरह से काम होता है, क्या 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 बाकी रहता है। आइए हम आपको थोड़ा दिखाते हैं ये सामने वाले बिले में और देखते हैं कौन काम यहाँ कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इससे थोड़ा बातचीत करते हैं। और अगर आप कतर आना चाहते हैं तो इस काम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये सब हम आपको डिटेल देंगे। आए तो कैसे आए, किस काम में आए, कहाँ से वीजा लें, हम आपको सब कुछ बताएंगे। अभी आइए देखते हैं इस घर में कोई है या नहीं है। ये दरवाजा है, अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल भाई, क्या नाम भाई आपका? रहमतुल्लाह। मेरा नाम रिजवान सिद्दीकी। और कैसे हैं भाई आप? ठीक है भाई, आपकी वीडियो बना सकते हैं भाई? हाँ बना सकते हैं। हाँ तो यहाँ आप काम करते हैं भाई? हाँ इधर मैं काम करेगा, नथुर है। नथुर यानी जो चौकीदारी करते हैं? इधर चौकीदारी कर, पूरा बस नया काम चलू अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, क्या कहाँ तक काम पहुँचा भाई? बाजगर बनाई। आप यहाँ कितने साल थे भाई? मैं इधर एक साल हो गया। एक साल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक साल से नथुर में ही है? एक साल से नहीं है, वो 5-6 महीना रूम में बैठा है, काम नहीं है कतर का। ओ बहुत हालात खराब हैं। बहुत हालात खराब है, वो 4-5 महीना हो गया इधर ना पूरी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, रिपीट होगी। अच्छा हाँ। तो क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आपके कतर के बारे में? एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं है, नहीं कुछ नहीं। अच्छी बातें कुछ बुरी बातें कुछ जानकारी देना चाहेंगे आने वालों के लिए? वल्ला कतर का बहुत मुश्किल है। आइए, कतर का काम नहीं, बहुत मुश्किल है काम। कहाँ पे आप रहते हैं? वहाँ बैठ के बात करते हैं। आ जाओ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छा यही मकान है? अच्छा यही मकान है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी क्या काम चल रहा है यहाँ पर? आ जाओ अंदर आ जाओ, बहुत गर्मी है। हाँ हाँ हाँ, क्या काम चल रहा है भाई? ये काम पूरा चल रहा है, मेरा काम वाला आदमी इधर का नहीं माने के तरतीब करेगा। और भाई अस्सलाम वालेकुम, नाश्ता करना है? ये क्या काम कर रहे हैं भाई आप यहाँ? ओ बिजली का काम है। अच्छा इलेक्ट्रीशियन? अच्छा पेंटर वाला काम है पूरा। माशाल्लाह घर तो बहुत शानदार है यार, कंप्लीट हो चुका है? बस कंप्लीट है इंशाल्लाह, काम पूरा बाकी। अच्छा अच्छा, आप यहाँ रहते हैं, माशाल्लाह आपका रूम तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। ये हमारे रहमतुल्लाह भाई हैं और यहीं रहते हैं, ये मतलब यहाँ नातुर बोलते हैं और इंडिया या पाकिस्तान में चौकीदार बोलते हैं, उसी का काम करते हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं भाई? इधर 6 महीना हो गया। 6 महीने? 6 महीने। और कोई परेशानी तो नहीं? नहीं कोई नहीं, सब अच्छा है। अच्छा है, अभी पहले से बहुत बेहतर है? बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, एडीएमटी मिलने का बहुत खुश है। हाँ अब बैठ जाइए, कतर का काम हम नहीं बहुत मुश्किल है, आप भी बैठ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े भी अच्छे हैं भाई। अच्छा और बताएं यहाँ के काम के बारे में? वाला बस कतर का काम में ये बात है, मैं पाकिस्तान से 6-7 लाख खर्चा किया, वो काम में ये बहुत मुश्किल है। वो कतर का क्या करेगा, कतर का हर आदमी इधर आ गया, वो काम के मतलब काम का। तो आप कौन से बीज में आए थे? क्या कौन से बीज में आए थे? आजाद बीज में? किस में? आजाद बीज में? तो वो कंपनी वाला बहुत अच्छा है, आजाद से बेहतर है। आजाद बिजन बहुत काफी खर्चा होता होगा? बहुत खर्चा भी किया, काम भी नहीं है। वाला वो हर रूम में 6-7 और 20-25 आदमी बैठे, वो 6-7 महीना हो गया, वो काम नहीं हो गया करेगा। हाँ थोड़ा आप इधर आ जाइए, थोड़ा आवाज गूंज रही है। हाँ ये आपका बिस्तर वगैरह है, ये आपका रूम है और लेटरिन बाथरूम? वो लेटरिन बाथरूम पानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, वो बस सिर्फ गुजारा करेगा क्या। यार बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है वल्ला, बहुत मुश्किल। यानी आना चाहिए तो किस काम में आना चाहिए भाई? क्या किस काम में आना चाहिए, आने वालों के लिए क्या राय देंगे आप? यार मैं क्या बोलेगा, बस हर आदमी हर अपना अंदाज है, मेरे को उर्दू भी ज्यादा मालूम नहीं है। हाँ वो तो आपको देख के लग रहा है, उर्दू भी ज्यादा मालूम नहीं।
अगर कोई पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई आना चाहे तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, किस काम में आए? यार मैं हर आदमी का ये मैसेज है ना, वो काम नहीं है, वो कसब नहीं है, कसम मालूम हर आदमी का फेंटर है, वो ड्राइवर है, लाइसेंस भी नहीं, वो हर आदमी इधर नहीं आए। अच्छा, वो थोड़ा काम वाम मालूम है, मुश्किल नहीं कतर में आएगा, वो कतर ना हर जगह में जाएगा मुश्किल। यानी कि आपका कहने का रूम में कराया बाकी है। अच्छा, छह महीने तक आपका कोई काम नहीं था? इधर ड्यूटी मिलेगा, बिजली बाथरूम भी नहीं है, मैं बार बार भी शुक्र अदा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह रहम करे। वो बस काम थोड़ा बाकी है इंशाल्लाह, वो पीछे दूसरा काम शुरू करेगा अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अभी आपके पास रोजी भी है, काम भी है, सब कुछ है ना, अभी आपको कोई टेंशन नहीं है। आजाद बीजे में क्या क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? नुकसान बहुत है आजाद बीजे। अच्छा, बहुत नुकसान। क्या क्या नुकसान है? वो नुकसान ये है, वो पैसा भी ज्यादा खर्च किया। हाँ। वो हर आदमी हाथ में कसब नहीं है, वो इधर आ गया, वो हर आदमी इधर रूम में बैठा है। हाँ, वो क्या फायदा है? यानी अभी इतना काम है नहीं जिस तरह से लोग आ रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो किसी काम में आना चाहिए, कोई हुनर में आना चाहिए, ताकि यहाँ परेशान ना होना पड़े। जैसे भाई अपना है इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, गर्मी है, वो इधर बैठा है, पंखा नहीं है, इस तरह से गर्मी है और कितना पसीना आ रहा है, हमको खुद को भी बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है इधर। ये हमारे भाई हैं रहमतुल्ला भाई, ये पाकिस्तान से हैं, पठाने, ओरिजिनल पठाने, ओरिजिनल पठाने। आज हम इनसे बात करने आए थे, बात करके हमको बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमको दी है और बातें करते हैं इनसे। तो ये बताइए भाई, पहले आप कहाँ काम करते थे? पहले यहाँ पे इधर में आ गया, हेल्पर का काम करेगा। हेल्पर वो बहुत मुश्किल है, 12 घंटा काम करेगा, वो पैसा भी नहीं है। हाँ। वो 2 महीना काम करेगा, पैसा नहीं मिलेगा। हाँ। वो हर आदमी का काम करेगा, पैसा नहीं मिलेगा, आदमी छोड़ दे। जब से आप यहाँ आए, कुछ पैसे आपने इकट्ठे किए, कुछ कमाया? मालूम नहीं क्या बोला। जब से यहाँ आप आए हैं तो कुछ पैसे आपने कुछ सेव किया, कुछ पैसा बैंक में सेव किया? नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा बैंक में सेव किया। चलो अल्लाह का शुक्र। इससे पहले आप कहीं थे? नहीं नहीं पहले नहीं, अभी। हाँ सही है, आप आ रहे भाई क्या बोले, आ जाओ। ये हमारे भाई का कहना मतलब तो ये है, जो भी आना चाहे थोड़ा अच्छे से आए और आजाद बीजे में ना आके कंपनी में आए, इनका मतलब ये है, और कुछ सीख के ही आए, किसी हुनर पे ही आए, ये अपना भाई ये कहना चाहता है। और ये कहाँ है भाई? ये हमारे भाई रहमतुल्लाह भाई हैं, और भाई बोलिए, गर्मी बहुत है, और आप सबसे गुजारिश है आप लोग मेरे मेरे को टाइम लगेगा। हाँ सही बात है, गर्मी का। हाँ बिल्कुल, रिजवान भाई आपका बहुत शुक्र अदा करेगा, वो बहुत गर्मी का मेरे को टाइम दिया आप, वो मेरे को वीडियो का बहुत शुक्र अदा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आने वालों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, वो हर आदमी का पास सिर्फ मैं कुछ बात करेगा, ये बात है बस, सही ना। जो भी कतराना चाहे ये हमारे भाई की वीडियो जरूर देखें।